नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे सबसे पहले बुलेटिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे की। पीएम मोदी आज राजधानी भोपाल के दौरे पर पहुंचे। बीते 6 महीने में ये पीएम मोदी का 7वां दौरा रहा। पीएम ने जंबूरी मैदान में आयोजित बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए युवाओं को साधने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मिजाज और मिशन अलग है। उन्होंने कहा कि मैं अभावों में रहा हूं, लेकिन देश को अभावों में नहीं रहने दूंगा। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास नियत और इच्छा शक्ति दोनों ही नहीं है। भाजपा को एमपी के लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया है। ये उमंग, ये उत्साह, ये कार्यकर्ता का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का ही नहीं, बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए आज जब देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है, तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आने वाले चुनाव बहुत अहम है। हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है, उस विकास की गाड़ी सड़क से उतर नहीं, भटके नहीं, उतरे नहीं और अटके भी नहीं। वहीं पीएम मोदी ने भोपाल दौरे के दौरान कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अब कांग्रेस को उसके नेता नहीं चला रहे हैं, बल्कि कांग्रेस में हर चीज आउटसोर्स हो रही है और ये ऐसी कंपनी बन गई है जिसमें नारों से लेकर नीतियों तक आउटसोर्स हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है और कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की चलती है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है। नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। तो उधर बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में पहुंचे। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। महिलाएं भगवा साड़ी में दिखीं और पीएम के लिए जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए।
बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि एमपी में फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हम सभी के बीच में जिन्होंने युग परिवर्तित करने का काम किया, इतिहास को बदलने का काम किया, ऐसे राष्ट्र नायक। हाँ भैया, हम लोग भाजपा के हैं, भाजपा के, हम भाजपा के ही रहेंगे हमेशा हमेशा। बहुत अच्छा, और आगे भी सोचेंगे और अच्छा। मोदी जी, अगर दिख रहे हैं चारों तरफ जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पे, और काफी उत्साह है। बिजली नहीं थी, सड़क में गड्ढे थे, स्वास्थ्य सुविधा लड़खड़ा गई थी, लेकिन सन 2003 के बाद में जो परिवर्तन जो मध्य प्रदेश के अंदर आया है, वो सिर्फ और सिर्फ रोड का जाल, बीजेपी शासन और हमारे शिवराज सिंह जी के कारण, और आज जो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है। वहीं उधर भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर कांग्रेस ने जमकर प्रहार किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ को जुमला करार दिया है, साथ ही कहा कि कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा। युवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी। आज मध्य प्रदेश में भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ जुमलों का महाकुंभ निकला। प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। 18 साल में मध्य प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई एक स्कीम का नाम भी नहीं गिना पाए प्रधानमंत्री। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाकर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ आज हारी हुई शिवराज सरकार की तरह ही फ्लॉप शो साबित हुआ। चलिए अब बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इंदौर दौरे की। 27 सितंबर को इंदौर आएंगी राष्ट्रपति, इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार विजेताओं का वो सम्मान करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे और शिवराज कैबिनेट के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो 27 सितंबर को इंदौर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक कार्यक्रम है, इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और शिवराज कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। चलिए बात करेंगे धीरेंद्र शास्त्री की, जो भोपाल आएंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री कल भोपाल आने वाले हैं। भोपाल में निकालेंगे 20 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा। शाम 4 बजे अन्ना नगर से शोभा यात्रा की शुरुआत होगी। पुराने शहर से होते हुए अशोका गार्डन जाएगी धीरेंद्र शास्त्री की शोभा यात्रा। 27 सितंबर से भोपाल में धीरेंद्र शास्त्री कथा भी करेंगे। 28 सितंबर को दिव्य दरबार भी लगाएंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री। खबर उज्जैन से है, जहां के बड़नगर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में यूथ कांग्रेस की महिला नेता ने अपने साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। मामला बड़नगर तहसील का है, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी मौजूद थे। तभी बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की महिला नेता वहां पर पहुंच गई, जिन्हें मंच पर जाने से रोक दिया गया। महिला नेता ने वीडियो जारी कर अपने साथ अश्लील व्यवहार और गालियां देने का आरोप लगाया। जब मैं यात्रा में थी, रथ पे थी, तब भी मेरे साथ हरकतें हुई। जब मैं मंच पे यात्रा, जहां पे कोर्ट चौराहे के बाद में रथ को रोक के सभा के तरफ सब लोग जाने लग गए, तब मैं सभी वरिष्ठ जनों के साथ जाने लग गई, तो मुझे अकेले को मंच पे चढ़ने से मना किया गया, धक्का बुक्की करी गई, हाथ झटका गया, और इतना अश्लील व्यवहार विधायक के कहने पे उसके भाई द्वारा, आरोपियों द्वारा, विधायक के बेटों द्वारा, उसके परिवार द्वारा मेरे साथ वो छेड़खानी करी गई। जिस तरीके से गंदे शब्दों का उच्चारण कर
मुझे वहां रोका जा रहा था। मैं निवेदन करने गई जीवित्यू पटवारी जी के पास, मैं आदरणीय के पास, कि आपके होते हुए अंकल ऐसा हो रहा है। अब बात करेंगे डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की, जिनके इस्तीफे का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। निशा बांगरे का अब कहना है कि अगर उनका इस्तीफा शासन ने 3 दिनों के भीतर मंजूर नहीं किया तो वे अनशन पर बैठ जाएंगे। बता दें कि निशा बांगरे अपनी मांग को लेकर बैतूल कलेक्टर परिसर में ही धरना और आंदोलन कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। निशा बांगरे ने सरकार पर भी न्यायपालिका को गुमराह करने के आरोप लगाए और कहा कि सरकार कोर्ट को भ्रामक जानकारी दे रही है। दरअसल 1 साल पहले जो निशा बांगरे बैतूल में बतौर डिप्टी कलेक्टर पदस्थ थी और उसी जगह से लोगों की समस्याएं सुनती थी जहां आज वो धरने पर बैठी हैं। फिलहाल इस्तीफे का मामला कोर्ट में है और अब सबकी नजर फैसले पर है। लेकिन इस बीच निशा बांगरे आमला विधानसभा में एक्टिव हैं, सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता ने चुनावी समीकरण को काफी दिलचस्प बना दिया है, इंटरेस्टिंग बना दिया है। तो वहीं ग्वालियर में गुर्जर समाज के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि भीड़ ने कलेक्ट्रेट पर पथराव किया। वहीं हालात को संभालने पहुंचे एडिशनल एसपी के साथ भी बदसलूकी हुई। उत्पात मचा रही भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कलेक्ट्रेट जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया था। दरअसल गुर्जर समाज के लोग मेहर भोज की प्रतिमा से 3 शेड हटाने की मांग कर रहे थे और इसे लेकर ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उधर विवाद को देखते हुए मेहर भोज की प्रतिमा की पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया। गुर्जर समाज के साथ प्रशासन के लोग अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व के साथ कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के इतिहास के साथ, गुर्जर शिलालेखों के साथ कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा हस्तक्षेप कर उनके साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा पुलिस और प्रशासन पूरा चाक चौबंद है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सुबह कुछ देर के लिए थोड़ा सा उत्पात मचा था, कुछ असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचा। मध्य प्रदेश के 3 शहरों से मामूली विवाद में मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क पर हुए इस संग्राम को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या गुंडों को पुलिस का खौफ नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मामूली विवाद को लेकर लोग एग्रेसिव हो रहे हैं। यकीन ना हो तो तस्वीर देख लीजिए। बाइक सवार और 3 राहगीरों में छोटे से एक्सीडेंट को लेकर आपस में विवाद हो गया और ये भिड़ गए। वीडियो नर्मदापुरम के मीनाक्षी कॉम्प्लेक्स के पास का है। बाइक सवार बदमाश 2 युवकों की पिटाई करता है। इस बीच जब भीड़ इकट्ठा होने लगती है तो वो फरार हो जाता है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। व्यक्ति कुछ लोगों को मारता हुआ समझ में आ रहा था। मामले की तस्दीक की गई और फरियादी स्वयं थाने में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि फला वीडियो अनुसार प्रकरण हुआ है। जांच उपरांत पता चला कि पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद फिर इन लोगों ने मारपीट की है, तो एक्सीडेंट प्लस मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल हेतु चिकित्सालय रवाना कर दिया गया था। मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर का भी हाल कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। यहाँ पर सड़क कुश्ती का अखाड़ा बन गई। ये तस्वीरें इंदौर के विजयनगर थाना इलाके की हैं। मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते, कपड़े तक फाड़ दिए गए। सड़क पर संग्राम चलता रहा लेकिन पुलिस गायब नजर आई। अब मुरैना की भी तस्वीर देख लीजिए। शराब के लिए पैसा न देने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद एक युवक को 4 लोगों ने बेरहमी से पीटा। यही नहीं, कार में तोड़फोड़ कर दी गई। बनखंडी रोड के पास इस हंगामे को लेकर पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है। उम्मीद है कि मारपीट मामले में पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और बदमाशों को भी सख्त संदेश देगी ताकि लोग कानून अपने हाथ में न लें। इंदौर से ही एक और मारपीट का वीडियो सामने आया। एबी रोड पर कल रात मॉल के पीछे की ये वारदात बताई जा रही है। पार्किंग के विवाद में काफी देर तक लाठी डंडे चलते रहे। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। 2 गुट आपस में भिड़ गए, किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हुई और
महिला भी उसमें शामिल थी। पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था यह बताया जा रहा है। एबी रोड पर कल रात मॉल के पीछे की वारदात, पार्किंग के विवाद में काफी देर तक लाठी डंडे चलते रहे, मारपीट में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। तो इंदौर का ये वीडियो जहां पर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, पार्किंग के विवाद को लेकर एबी रोड मॉल के पीछे की कल रात की वारदात है। भोपाल के बड़े तालाब पर 30 सितंबर को वायुसेना का शौर्य और पराक्रम दिखाई देगा, इसके लिए प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है। भोपाल के आसमान में लड़ाकू विमान दिखे, एयर शो की प्रैक्टिस के दौरान कई लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी। बड़े तालाब के ऊपर चल रही इस प्रैक्टिस का नजारा शहर भर के लोगों ने देखा और इसको सराहा भी। आसमान में दम देखिए, वायुसेना की ताकत देखिए, आसमान में शूरवीरों की उड़ान देखिए, हवा में गड़गड़ाहट की ये आवाज दुश्मनों को डरा देगी। कह रही होगी कि सावधान हो जाओ, भारतीय वायुसेना दम दिखा रही है। ये गड़गड़ाहट भरी आवाज, ये आसमानी दम, ये महज रिहर्सल है। 30 सितंबर को जब आसमान में वायुसेना उड़ान भरेगी तो दुश्मन मुल्क भी कांप जाएगा। दरअसल राजधानी भोपाल में 30 सितंबर को एयर शो होने जा रहा है। रहवासी आसमान में लड़ाकू विमानों की गरज का लुत्फ उठा पाएंगे। बड़े तालाब पर होने जा रहे एयर शो के लिए प्रैक्टिस शुरू हो गई है। एयर शो के साथ ही स्काई डाइविंग का रोमांच भी नजर आएगा। आपको बता दें कि प्रैक्टिस के दौरान सुखोई, राफेल समेत कई लड़ाकू विमान नजर आए। 28 को फाइनल रिहर्सल होगी और 30 को वायुसेना दम दिखाएगी। इस एयर शो में 50 फाइटर प्लेन और लड़ाकू हेलीकॉप्टर दिखाए जाएंगे। आगरा, ग्वालियर और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से ये फाइटर प्लेन उड़ान भरकर 30 सितंबर को भोपाल आएंगे। एयरपोर्ट के जवान पैराशूट से जंप लगाते नजर आएंगे। इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आम लोगों के लिए विंड एंड वेव्स पर खास व्यवस्था की जाएगी। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आज इतिहास रचा है। 19वें एशियन गेम्स में टीम ने श्रीलंका को मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया। हांगझोऊ के पिंगफेंग कैंपस क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रन से पराजित किया। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार एशियन गेम्स में हिस्सा लिया था और पहली बार में ही स्वर्णिम सफलता हासिल की। क्रिकेट टीम में मध्य प्रदेश की पूजा वस्त्राकर भी शामिल हैं। पूजा ने आज के मुकाबले में 2 रन बनाए जबकि 1 खिलाड़ी को बोल्ड किया।